आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सोनकच्छ विधानसभा के पीपल रावा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और देवास जिले के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी भी शामिल हुए और जनता की समस्या को सुना। आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में विकासखंड स्तरीय आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आम जन की समस्या को मौके पर सुनकर उसका तुरंत निवारण किया जा रहा है। साथ ही मंच से मंत्री जीतू पटवारी ने राजस्व, जल संसाधन और अन्य विभाग के प्रमुख से मंच से सीधा संवाद कर शिकायतों को जाना और उसका तुरंत निवारण करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मंत्री जीतू पटवारी ने अधिकारियों को सीधा मंच पर बुलाकर कहा कि जनता की समस्या को समझे और उसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करे। ये योजना कमलनाथ जी की है। ये महत्वाकांक्षी सोच है कि सरकार की कर्मचारी अधिकारी जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द। देश की पहली राज्य सरकार है जो सीधे अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता के बीच भेजकर उनकी समस्याओं का समाधान करवा रही है। साथ ही मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यक्रम में जन समुदाय से समस्या को एक एक करके समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग को निवारण करने के निर्देश दिए। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंच से कहा कि यह सरकार कमलनाथ की सरकार है, आपकी समस्याओं को आपके द्वारा सुनने आ रही है। हमारी सरकार पूरे 5 साल आपके बीच रहकर आपकी समस्या को जानेगी और प्रदेश और सोनकच्छ विधानसभा का विकास करेंगे। जिले के सभी विभागों के प्रमुख भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीकांत पांडे, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी SDM सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। देवास जिले के पीपलरवा क्षेत्र में आपकी सरकार आपके द्वार, जो कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा दिया गया प्रोग्राम है। उनका कहना ये है कि गांव का साथी जिसे समस्या के लिए जिले में जाना पड़ता है, ब्लॉक स्तर पे जाना पड़ता है तहसील, उसकी समस्या आपकी सरकार आपके द्वार, सरकार खुद पहुंचे उसके द्वार पे और उसकी समस्या 15 दिन से 20 दिन के अंदर वहीं पर निपटना चाहिए। ज़्यादा समय लगेगा तो वो अधिकारी दंडित होंगे। तो लोगों में एक विश्वास जागा है कि ये हमारी सरकार है, हमारे लिए काम करेगी। भैया कहीं ना कहीं देखा गया यहाँ पे कि कुछ ऐसे लोग थे जिनकी समस्या 3 महीने 4 महीने या सालों पुरानी है, कहीं ना कहीं क्या मानता है पिछली सरकार की? भाई देखिए, समस्या पुरानी है, इसीलिए तो कमलनाथ जी ने जब उनके पास शिकायतें गई कि महीनों हो जाते हैं ना राजस्व के प्रकरण निपटते हैं, ना छोटे मोटे काम निपटते हैं, ना नामांतरण बंटवारा होता है, तभी कमलनाथ जी ने कहा कि 15 से 20 दिन के अंदर जहाँ पे कैंप लगे वहीं पे पहली बात तो वहीं पे निराकरण हो, नहीं तो 15 से 20 दिन के अंदर मुख्यालय से निराकृत करके सामने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाए। मैं नरोत्तम मिश्रा को लेकर कुछ बताएंगे क्या जो आपकी सरकार, आपकी सरकार आपके द्वार कमलनाथ जी की जो महत्वाकांक्षी है सोच की सरकार के कर्मचारी अधिकारी जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं के समाधान करने की एक स्वभावतः एक सरकार की मूल भावना को आत्मसात करती है। आज सोनकच्छ विधानसभा देवास जिले के पीपलरवा ग्राम पंचायत में आयोजन हुआ। आसपास के कई ब्लॉकों के लोग आए, अपनी समस्याएं बताई, आवेदन दिए, समयबद्ध समस्याओं का निराकरण करने की मूल धारणा मैं समझता हूं अद्भुत कदम है। देश की पहली सरकार है, राज्य सरकार है, जिसने इस तरह की अवधारणा चालू की। हम सौभाग्यशाली हैं कि सोनकच्छ, शाजापुर और सुजालपुर और देवास हमें ये अवसर सबसे पहले मिला। इसका एक 2 महीने पहले भी हमने यहां से आयोजन चालू किया था। मैं समझता हूं इसमें और जैसे जैसे समय जाएगा आयोजन में सुधार होगा और भी जो छोटी छोटी कमियां इसमें भी आगे बदलाव होगा। पर एक बात, जनता की मूल भावनाओं के अनुरूप सरकार चले और जनता की समस्या का समाधान अंतोगत्वा कैसे हो, ये न्याय। योजना मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार ने भी लागू की थी कि सरकार आपके द्वार, भारतीय जनता पार्टी ने अगर लागू की होती और सही तरीके से इसका क्रियान्वयन होता तो हम सरकार में नहीं आते। कहीं कमी थी तभी तो लोगों ने हमें चुना। आप भरोसा रखें, ये कमलनाथ की सरकार है और कमलनाथ जी की सरकार हमेशा सकारात्मक रूप से ये दलगत राजनीतिक भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करती, ये सकारात्मक रूप से जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करती है। सब जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है, किसी पार्टी का हो। ये जिला सरकार के लिए, आपकी सरकार आपके द्वार के लिए, इस कार्यक्रम के लिए सब जनप्रतिनिधियों को सकारात्मक आह्वान के साथ जनता के समस्या को टारगेट करके चलना। बड़ा लाभ यहाँ देखे जा रहे हैं,
आज आदरणीय सज्जन वर्मा जी का आदेश हुआ कि एक 25 लाख रुपए का जिमनेशियम पीपल रवा पंचायत को मिलना चाहिए, तो मेरे पिताजी के दोस्त हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मेरे काका समान है, तो उनका आदेश मानना था, तो वो एक मेरे विभाग के अंतर्गत। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।